हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एमएस एक्सेल में एक और जबरदस्त ट्रिक। वो ये, अगर नंबर के साथ हो टेक्स्ट तो कैसे आप नंबर्स का टोटल कर सकते हो या कोई दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो। ये बड़ी ही आसान ट्रिक है और बहुत यूजफुल है। यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा रिकॉर्ड है फ्रूट्स का, फ्रूट्स के नेम और उनका वेट लिखा हुआ है केजी में। अब यहाँ पे नंबर के साथ केजी लिखा हुआ है, टेक्स्ट है ना, केजी टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट कुछ भी हो दोस्तों, केजी हो या पीसीज हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या कुछ और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो मुझे मान लीजिए इस वेट का टोटल करना है तो मैंने यहाँ पे कर रखा है। अगर मैं किसी भी वेट में जाके चेंज करता हूँ, ऑरेंज में मैं गया और 15 की जगह 5 कर दिया, एंटर प्रेस किया तो देखिए 52 हो गया है ना। तो ये बड़ा ही आसान है दोस्तों और मैं दो तरह से आपको ये करना बताऊंगा और दोनों ही आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं। पहला ये, अगर आपके पास ऑलरेडी इस तरह का रिकॉर्ड है काफी मात्रा में और आप उसमें से नंबर्स का टोटल करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। दूसरा ये कि अगर इस तरह का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करने वाले हो तो पहले ही थोड़ी सी सेटिंग कर लो, उसके बाद आपका काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा है ना। यहां पे आप देखिए मैंने क्वांटिटी का एक कॉलम बना रखा है और यहां पे जीरो पीसेस हैं और यहां पे टोटल अमाउंट जीरो आ रहा है। कीबोर्ड का रेट है एक पीस का 120, मैंने क्वांटिटी यहां पे डाल दी मान लीजिए 11, एंटर प्रेस किया तो 11 पीसेस अपने आप लग गया यहां पे और यहां पे टोटल जो क्वांटिटी का टोटल है 11 पीसेस और यहां पे अपने आप अमाउंट आ गया। मतलब मैं यहां पे अगर एंट्री करूंगा तो पीसीएस अपने आप आता जाएगा, ये देखिए है ना। ये बड़े गजब की ट्रिक है और दोनों ही काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स बिगिन द टॉपिक। दोस्तों पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक्सेल सीट में पहले से ही काफी मात्रा में इस तरह का रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो कैसे आप नंबर्स का टोटल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा ये मैजिकल ट्रिक कि आपको रिकॉर्ड एंटर करने से पहले क्या सेटिंग्स करनी है जिससे आपका काम और भी आसान हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहां पे जो वैल्यूज लिखी है 11 केजी 12 केजी 10 केजी, ये टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट हो या नंबर हो ये कैसे पता लगाएंगे, तो आप यहां देखिए मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल दिखाता हूं छोटा सा। मैंने सेल के अंदर टाइप किया 11, एंटर किया तो ये 11 कहां आ गया, ये इस सेल के राइट में आ गया और यहां पे मैंने लिखा 11 केजी तो बाहर क्लिक किया तो देखिए ये लेफ्ट में है। इसका मतलब जिस सेल के अंदर वैल्यू लेफ्ट में होती है एक्सेल उस वैल्यू को टेक्स्ट कंसीडर करता है और जिस सेल के अंदर वैल्यू राइट में होती है उस वैल्यू को एक्सेल नंबर कंसीडर करता है। तो यहां पे ये सभी वैल्यूज लेफ्ट में है, इसका मतलब एक्सेल इन सभी वैल्यूज को टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। अब एक काम करेंगे, पहले हम यहां से हटाएंगे केजी और उसके बाद इन सभी वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर सम करेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यहां पे एक लगाना होगा फॉर्मूला और वो फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट, जिसका काम है टेक्स्ट में से दिए हुए टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना। ओके, तो हमें क्या करना है, यहां पे 11 केजी है, इस केजी को ब्लैंक से खाली से रिप्लेस करना है। तो लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल सब्स्टिट्यूट, एस यू बी एस नीचे आ गया लिखा हुआ, टैब दबा लीजिए, उसके बाद ये सेल आप कर लीजिए सिलेक्ट, कॉमा लगाया तो इसने बोला ओल्ड टेक्स्ट, मतलब आप इसमें से कौन से टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हो। मुझे रिप्लेस करना है केजी, तो डबल कोट्स के अंदर आप टाइप करोगे केजी, डबल कोट्स क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाया, ये कह रहा है न्यू टेक्स्ट कि इसकी जगह पे आपको क्या लाना है। मुझे कुछ नहीं लाना, तो डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे, डबल कोट्स बंद कर देंगे। ओके, बिना डबल कोट्स के बीच में कुछ लिखे तो ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए खाली 11 आ गया है। अब दोस्तों ये 11 भी लेफ्ट में आया है ना, लेफ्ट में आया ये क्योंकि एक्सेल अभी भी इसको नंबर कंसीडर कर रहा है ना। तो उसी तरह से मैं अगर इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर दूं तो सबका आ गया। अब मुझे ये सभी वैल्यूज अगर नंबर में कन्वर्ट करनी है तो एक काम और करना पड़ेगा, वो ये कि फॉर्मूला एडिट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, यहां पे लास्ट में इसके साथ जीरो ऐड करना पड़ेगा, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें यहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जीरो ऐड कर देता हूं और एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए नंबर में कन्वर्ट हो गया है ना, ये अपने आप राइट में चला गया है। इसका मतलब अब एक्सेल इसको नंबर मान रहा है,
तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा पाएंगे। ये मैंने ड्रैग ड्रॉप कर दिया नीचे। अब मैं अगर यहां पे लिखता हूं इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद मैं ये रेंज सिलेक्ट करता हूं और ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो हमें मिलेगा करेक्ट रिजल्ट। ये देखिए 49 है ना। तो अभी तो हमने एक हेल्पर कॉलम बनाया था कि हमने यहां से केजी अलग किया, फिर नंबर में कन्वर्ट किया और फिर हमने ये काम कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट आपको टोटल इस सेल में निकालना है बिना किसी हेल्पर कॉलम के, तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए लगाते हैं फिर से फॉर्मूला इक्वल एस यू बी एस। नीचे फॉर्मूला आ गया है, आप कीबोर्ड से प्रेस कीजिए टैब की। उसके बाद ये कह रहा है कि टेक्स्ट आप करिए सिलेक्ट। अब मैं एक काम करूंगा, ये सारी रेंज एक बार में ही सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, इसका मतलब अब ये बन गया अरे। अरे मतलब हमने एक साथ इस फॉर्मूले के अंदर रेंज दे दी है ना। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद ओल्ड टेक्स्ट तो डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे केजी, डबल कोट्स क्लोज कॉमा। अब कह रहा है न्यू टेक्स्ट जो आपको केजी की जगह लाना है, हमें केजी की जगह कुछ नहीं लाना, खाली करना है। तो डबल कोट्स स्टार्ट, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब यहां पे आपको एक खास बात का ध्यान रखना है, वो ये कि हमने इसमें अरे यूज किया, एक रेंज दिया है, तो आपको एंटर प्रेस नहीं करना, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ओके दोस्तों, और ये फॉर्मूला आप क्या करेगा, इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सभी से केजी हटा देगा। चलिए देखते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर आप प्रेस कीजिए तो यहां पे पहली वैल्यू ये आपको दिखा देगा। पहली वैल्यू 11 केजी थी तो यहां पे केजी हटा दिया है और अभी भी ये 11 लेफ्ट में आया। इसका मतलब अभी भी एक्सेल इसको टेक्स्ट ही समझ रहा है क्योंकि हमने इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया ना। चलिए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डबल क्लिक करते हैं और लास्ट में एड कर देते हैं 0+0। फिर से करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो अब देखिए ये आ गया राइट में है ना। तो फिर से हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है और यहां पे एक फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल के बाद सम ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लास्ट में इसको कर देंगे बंद 0 के बाद ब्रैकेट क्लोज। अगर अब हम प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो इस रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सभी यहां से जो है केजी वहां से हटाएगा ये सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला और प्लस 0 ऐड करके उन सभी को नंबर में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये सम फॉर्मूला सभी वैल्यूज का टोटल आपको करके दिखा देगा। तो मैंने प्रेस किया कंट्रोल शिफ्ट एंटर तो ये देखिए आ गया ना टोटल। तो ऐसे इस तरह की वैल्यूज में से हम नंबर्स का टोटल निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे तरीके पे जो कि बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है और बिना फॉर्मूले के है। तो यहां पे हमें क्वांटिटी एंटर करनी है, अभी सब कुछ यहां पे नॉर्मल है। हम ये चाहते हैं कि इस कॉलम के अंदर जो भी हम क्वांटिटी एंटर करें उनमें पीसेस अपने आप ऐड होता रहे, पीसेस हो केजी हो कुछ भी हो अपने आप आता रहे, हमें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। क्योंकि अगर हमने टाइप कर दिया मैनुअली पीसेस इस तरह से और बाद में हमें इन वैल्यूज का टोटल निकालना पड़ गया तो हमें यही तरीका अपनाना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो कि हम इस बार नहीं करेंगे। तो मैंने इन सबको कर दिया डिलीट, ये रेंज ऑलरेडी सिलेक्ट है। होम टैब के अंदर जाएंगे और यहां नंबर ब्लॉक के अंदर नीचे यहां पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल की जो विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी। अब यहां से आपको सिलेक्ट करना है कस्टम और उसके बाद यहां जनरल पे क्लिक कीजिए और यहां पे इसको हटा दीजिए यहां से और यहां पे आप टाइप कीजिए 0 और 0 के साथ लगाइए डबल कोट्स और उसमें लिख दीजिए पीसी चाहिए केजी चाहिए क्या चाहिए। तो मैंने लिख दिया शॉर्ट में पीसीएस, डबल कोट्स क्लोज, बस इतना आपको करना है। उसके बाद आप कर दीजिए ओके और यहां पे आप एंट्री करके देखिए, ये देखिए है ना इस तरह से। अब मैं अगर यहां पे लगाऊं सम का फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट और ये रेंज दे दूं तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, ये देखिए आगे ना मजा। तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। अगर मैं यहां टोटल निकालूं इक्वल करके दिस इनटू दिस, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए आगे ना। तो ये इस तरह से प्रॉपरली वर्क करेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार आप ट्राई कीजिए, किसी भी तरह की कोई समस्या है तो मेरे साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, वंदे मातरम।